आदरणीय बहन जी को आज सब लोग याद कर रहे हैं कि बहन बहन मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश की कमान को संभालें। माननीय बहन जी का जो वोट है कोर वोट है और ठोस वोट है, जहाँ भी आता है वो स्वच्छ एक तरफा आता है। और कि गाय गोबर की बात करते योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा विकास कर लिए हैं, जगह जगह होल्डिंग लगाए हुए हैं और बता रहे हैं हमने ये किया वो किया, थैंक यू बोलवा रहे हैं। अच्छा आप ये बता दीजिए, आप तो मीडिया में हैं, एक उपलब्धि योगी जी की बता दो, उनने एक रोड बनवाया हो, एक मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया हो, और कितने लोगों को उन्होंने पूरे 5 साल में रोजगार दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान और आज हम मैनपुरी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि मैनपुरी में आज बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इसी जनपद की और आपको अपडेट बता दें कि इसी जनपद में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, इसके अलावा अमित शाह भी आ रहे हैं जो जनसभा को संबोधित करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे। सबसे पहले हम यहां के जो कार्यक्रम स्थल है यहां मौजूद हैं जहां पर सतीश चंद्र मिश्रा आएंगे और सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तैयारियों को की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएँ, इधर दिखाते रहें कि ये देखिए यहाँ पर जो मंच है ये पूरी तरीके से तैयार है और यहीं पे स्पीच देंगे। और इसके अलावा इधर आप देखिए यहाँ पे लोग बैठेंगे और यहाँ जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पे कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? हरिशन भारती। अच्छा, ये बताइए भारती जी, तैयारियाँ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, लोग आ रहे हैं, बस शुरुआत हो गई है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव भी यहाँ आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ देखने को मिलेगी? अमित शाह भी आए, वो माननीय बहन जी का जो वोट है कोर वोट है और ठोस वोट है, जहाँ भी आता है वो स्वच्छ एक तरफा आता है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उनकी काफ़ी है। हमारा जो ठोस वोट है एक तरफा आ रहा है, ब्राह्मण भी और दलित भी, बैगवड़ी सारे मेजोरिटी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, समाज हमारे क्या रुझान है यहाँ का? यहाँ 110% हमारा प्रत्याशी जीतेगा। 110% आप कितने परसेंट में? 200% में कि 100%? नहीं, 100 में 110% जीतने वाला हमारा प्रत्याशी। हर समाज का वोट मिल रहा है, सबसे शिक्षित आगरा मंडल में कोई शिक्षित प्रत्याशी नहीं हमारे पास। अच्छा, ये कौन से प्रत्याशी हैं यहाँ? अभी आ रहे हैं प्रत्याशी, अभी है नहीं यहाँ पे। गौरवनंदन सभिता जी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताएं कि हम लगातार बसपा बीट की खबर दिखाते हैं और हम ये जानने के लिए यहाँ खास तौर से आए हैं कि यहाँ बसपा का माहौल क्या है और क्या लोगों का रुझान है और कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। देखिए, बीएसपी का एक रुझान हमेशा रहा है, बहुजन समाज पार्टी शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, चाहे सपा रही हो चाहे भाजपा रही हो, किसी का भी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हमेशा फेल रहा है। आदरणीय बहन जी को आज सब लोग याद कर रहे हैं कि बहन मायावती दोबारा मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश की कमान को संभालें। देखिए, योगी जी आए केवल गाय गोबर की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है इस समय चुनाव का। अगर वो बताएं कि उनने 5 साल में क्या उपलब्धियाँ दी हैं, लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुँचा दिया है, तो योगी जी का कोई एजेंडा नहीं है। और अखिलेश जब सरकार आती है तो केवल गुंडागर्दी, हर चौराहे पर गुंडागर्दी होती है। एक बस में, एक गाड़ी में अगर 5 व्यक्ति जा रहे हैं तो उसमें 10 राइफलें होती हैं, उनका आतंक और भय फैलाने का काम होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं होता है, बहन जी की गवर्नमेंट में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर होता है और एक मजबूत विकास होता है। जो कार्य बहन जी ने किए हैं वो किसी भी दल ने आज तक करके नहीं दिखाए। माननीय बहन जी ने कम से कम 1 लाख से ऊपर मान्यवर कांशीराम आवास बनवाए, बेरोजगारों 1.25 लाख 1,40,000 करीब शिक्षा उनकी सफाई कर्मियों की भर्ती की, बैकलॉग की भर्ती की। तो बहन जी ने जो करके दिखाया है वो कोई दल नहीं कर सकता है। गरीब कन्या को साइकिल 20,000 रुपया उसके दिए जन्मदिन पे। तो जो आज 10 साल लोग झेल चुके हैं सपा और भाजपा को, उसका बदला आज वो लेना चाह रहे हैं और वो बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हमारी चारों विधानसभाओं में जबरदस्त फाइटिंग हो रही है और हमारे प्रत्याशी सभी, क्योंकि बसपा का वोट कभी हावल्ला, रोड जाम, चक्का जाम नहीं करता है और ना ही वो गुंडागर्दी दिखाता है चौराहे पर खड़े हो गए, ना ही ट्रैक्टर रोकता है, ना ही रेल रोकता है। वो हमेशा शांत प्रिय साइलेंट होकर के अपना काम करता है और वो बहन जी को अब की बार मुख्यमंत्री बनाएगा और 5वीं बार बहन जी इस प्रदेश की कमान संभालेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी।
इतना ज्यादा जोश है और ये जोश ये क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बहन कुमारी मायावती तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जोश है यहाँ के कार्यकर्ताओं में। यही जोश फील्ड पे ये लोग निकालते हैं, इसीलिए जो इनके जो वोटर हैं वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा रहता है कि हमको कहाँ वोट देना है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि गाय गोबर की बात करते योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा विकास कर लिए हैं, जगह जगह होल्डिंग लगाए हुए हैं और बता रहे हैं हमने ये किया वो किया, थैंक यू बोलवा रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए, आप तो मीडिया में हैं, एक उपलब्धि योगी जी की बता दो, उनने एक रोड बनवाया हो, एक मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया हो, और कितने लोगों को उन्होंने पूरे 5 साल में रोजगार दिया है, कहाँ गौशाला बनी, और गौशालाओं की आज गायों की ये हालत है कि इन्होंने जो आम आदमी जो किसान है वो रात रात भर मरा जा रहा है, अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पा रहा है। तो ये केवल गाय माता और ज्यादा आ गया तो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं। इनके पास अगर ये मोदी या योगी जी जो भी आए वो ये बता दें कि हमने इस प्रदेश में ये विकास कार्य किए हैं, अपना एक विकास कार्य बता दें कि उन्होंने कोई एक डिग्री कॉलेज बनवाया हो, एक इंटर कॉलेज बनवाया हो, एक कहीं रोड बनवाया हो, या कहीं एक मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया हो, कोई भी एक उपलब्धि बता दें। होर्डिंग छपवाने से उन्हें खुद अब मालूम है कि जिस तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में पूरी केंद्र सरकार को लगा दिया था, वहां से उन्हें मुंह की खा के आना पड़ा था, जैसे ममता बनर्जी ने उन्हें धूल चटा के भगाया था, वैसे ही हमारी बहन जी उनको धूल चटा के यहाँ से भगाने वाली हैं। वो होर्डिंग्स और उनका जनसमर्थन नहीं जुड़ रहा है। आज देखिए 5,000 की भीड़ में 300-250 लोग आ रहे हैं उनके यहाँ, और जब बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग होती है तो एक साधारण सभा में भी 5,000 से 10,000 की भीड़ इकट्ठी होती है। तो इस प्रदेश में हर व्यक्ति, हर समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी हो, सब चाहते हैं कि बहन जी की सरकार इस प्रदेश में बने, और हमारे प्रत्याशियों को इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है कि वो इस प्रदेश में दोबारा बहन जी की सरकार को लाएंगे और बहन जी सरकार बनाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों से और बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो आप देख सकते हैं कि मैनपुरी की तस्वीरें हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो बसपा के समर्थक है और जो बसपा के सपोर्टर या नेता है वो लगातार जो बहन मायावती जी का विकास कार्य है वो आज तक नहीं भूले हैं, और ये कह रहे हैं कि जो बसपा के वोटर है वो पूरी तरीके से साइलेंट है और वो केवल तब चुप्पी छोड़ खोलते हैं जब वो बटन दबाते हैं हाथी का।